प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन, रामलला दर्शन व रोड शो को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या नगरी राममय तो सदैव रहती है, लेकिन फिलहाल मोदीमय भी हो गई है। हर अयोध्यावासी पीएम मोदी के आगमन को लेकर उत्साहित है। रामलला दर्शन मार्ग के द्वार पर फूलों से सजावट की गई है। बिरला मंदिर से लता मंगेशकर चौक तक 2 किलोमीटर रोड शो भी होना है। जगह जगह स्वागत के मंच बनाए गए हैं। रामलला दर्शन मार्ग सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएँ शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो, इस प्रकार से उनकी शुभकामनाएं और दिया जाए। सबसे प्रथम दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद तो रोड शो करेंगे। रोड शो सुग्रीव किला से प्रारंभ होकर के और लता चौक तक जाएगा और इसी बीच में अयोध्या के जो संत महंत और जो भी राम भक्त हैं वो साथ में रहेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा, सुनिए। जहां तक मोदी जी की बात है, ये दौरा उनके लिए बहुत जरूरी भी था और हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, जनता के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो सौगात जो देश को दी है ना, ये हमारे लिए सदियों सदियों तक अमूल्य धरोहर है ये देश की। और हम मोदी जी को कामना करते हैं कि मोदी जी इस बार भी आएं और जो उनका नारा है अब की बार 400 पार वो पूरा हो जाए। कितनी खुशी की बात है कि अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा उन्हीं के द्वारा इसका देखा जो मंदिर भी बना, आज कितनी सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है जी। ऐसा देखिए, हमने अपने जीवन में ये क्षण देखा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और रामलला यहाँ साक्षात विराजमान हुए, मैं कल दर्शन करके भी आया और आप जब जाते हैं रामलला के सामने तो आप सब कुछ खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद आती है, जय श्री राम। बहुत सुंदर ऐसा अरेंजमेंट, मैं बहुत मंदिर घूम चुका हूँ लेकिन इतना सुंदर मैंने देखा नहीं कि जो भी सिस्टम बनाया गया है मतलब अद्भुत है। आपको बिल्कुल अंदर जाके, बाहर आपको जितनी भीड़ दिख रही है लेकिन अंदर जाके आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, 1% भी नहीं लगेगा कि आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, इतनी भीड़ को संभालना ये आयोजन, इसके लिए भी बहुत बहुत ये लोग जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जितने भी पुलिस है, पीएससी है और जो अपने लोग जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आए हुए हैं, जो अंदर कार्य करते हैं, उनका सहयोग अतुलनीय है। बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा सिस्टम। आज हमें पता लगा, हम दिल्ली से आए हैं, कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का रोड शो है। हालांकि प्रधानमंत्री जी से तो मिलना हर कोई चाहता है लेकिन अयोध्यावासी मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आज के रोड शो से, बहुत उत्साहित हैं। और ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ तो अद्भुत, हर चीज़ अद्भुत है, इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है, यहाँ पर हर चीज़ का अंदर से लेके बाहर तक जो व्यवस्था है ना यहाँ पर बहुत अच्छी है। सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जो इस व्यवस्था में हर एक जो सहयोग दे रहे हैं सब लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको आज प्रभु श्री राम के भी दर्शन हो गए और उनका रोड शो नज़दीक से माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने का मौका मिल रहा है। तो हम सभी पूरे देशवासी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ये पहले हम 14 साल पहले यहाँ पर पढ़ते थे, बीएससी एग्रीकल्चर करते थे, तो ये अयोध्या इतनी गंदी, इतने ये सब जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ये सब ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत टूटी फूटी दुकानें टाइप की थी, ये सड़कें ऐसी नहीं थी, सिंगल सड़कें थी, बहुत उसमें गड्ढे रहते थे। आज ये सब प्रधानमंत्री जी के, माननीय मोदी जी की देन है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल तीसरे चरण की वोटिंग से पहले जगह जगह पहुंचकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी नॉमिनेशन से पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या पहुंच रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।